हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल हुए। मुक्त विश्वविद्यालय के इस दौरान 15,417 छात्रों ने डिग्री हासिल की, जिसमें 5 छात्रों को पीएचडी की उपाधि और 2 छात्रों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। सीएम ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि मैं विश्वविद्यालय में कभी भी एक अतिथि के रूप में नहीं आता, बल्कि एक छात्र के रूप में आता हूं। इस दौरान सीएम धामी ने मुक्त विश्वविद्यालय के आवासीय भवनों का शिलान्यास किया, साथ ही आईटी एकेडमी स्थापित करने, देहरादून में मुक्त विश्वविद्यालय परिसर और एकलव्य पीठ स्थापित करने की घोषणा की। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने नई शिक्षा नीति के बारे में बताया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारा जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है उसका 8वां दीक्षांत समारोह यहाँ पर हो रहा है, और जो बच्चे हमारे यहाँ से डिग्री ले रहे हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट आ रखे हैं, आज महामहिम राज्यपाल सबको डिग्री देने वाले हैं। और अब हमने 3 बड़े निर्णय किए हैं शिक्षा में। पहला निर्णय क्या है कि अब प्रत्येक बच्चे को डिग्री जो है डिजी लॉकर से दी जाएगी। दूसरा यह है कि दूरस्थ शिक्षा में जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनको किताबें निशुल्क दी जाएंगी। तीसरा यह है कि अब हर विश्वविद्यालय में हम जो कॉपियां चेक होती हैं यह अब केंद्रीय मूल्यांकन करवाया जाएगा, और 20-20 करोड़ रुपये हम प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए दे रहे हैं ताकि वो वहाँ एक सेंटर बनाएंगे कॉपी चेक करने के लिए। हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष सब लोग उसमें आएंगे और मैक्सिमम जो है 15 दिन में कॉपियां चेक हो जाएंगी ताकि समय पे रिजल्ट घोषित किए जाए। सचमुच आज बहुत ही खुशी हुई कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन में आकर आज ऐसा एहसास हुआ कि ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट और डिस्टेंस लर्निंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ऊंचे दर्जे पर लेकर गए हैं। आज सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि 15,417 हमारे छात्र छात्राओं को आज उपाधि मिली है। आज उनको गोल्ड मेडल पीएचडी से अवार्ड भी दिया है, और आज एक बार फिर अत्यंत खुशी मिली है कि आज हमारी बेटियों ने फिर अपना नंबर मारा है। उनकी जो सफलता है उससे बहुत ही खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है आज इन सबको मिलकर कि हमारी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है, उसको उससे किस प्रकार से हमारी शिक्षा, हमारे स्किल और हम किस प्रकार से अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज एक हम सब ने मिलकर संकल्प लिया कि हम एक्चुअली हमारी जो डीपर लर्निंग है, रिसर्च है, अनुसंधान है, उसकी यात्रा शुरू होती है।